रात भर हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के पानी में सड़कें लबालब है। शहर के कई घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश को देखते हुए नागपुर के कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों को और कॉलेजों को छुट्टी घोषित कर दी है। मौसम विभाग ने बताया कि नागपुर में 106 mm बारिश दर्ज की गई है। देखिए 2:30 बजे से 3 घंटे में 110 mm पानी गिरा है, बारिश हुई है। तो जो भी शहर में ऐसी स्थिति होती है वो शहर में थोड़ा नुकसान होता है। आज मोरबोन में अम्बाजरी धर्मपेटी एरिया में जो नुकसान हुआ है, हमारी सारी प्रशासन की टीम, कॉरपोरेशन, कलेक्ट्रेट और माननीय देवेंद्र जी, हमारे सारे विधायक सारे स्थिति पे ख्याल देकर है। मुझे लगता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन करना था वो सारे कर चुके हैं। कोई भी जान की नुकसान नहीं होनी चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, ये इस पर हम सारा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा कोई भी अलर्ट आता है तो उस पर तुरंत जा रहे हैं। हम सारे साइट पर है और निश्चित रूप से जो नुकसान हुआ है उसको नुकसान भरपाई भी मिलनी चाहिए, उसके तरफ भी पंचनामे वगैरह के काम चालू है। आज तो पहला है कि जो रेस्क्यू किए गए उनको संभालना, और ऑरेंज अलर्ट दिन भर है, आज दिन भर कोई घटना नहीं होना, इस पर हमारा पूरा ध्यान है। हम सारे लोग स्थिति पे ध्यान रखे हुए हैं और मुझे लगता है हम कंट्रोल में लाने का प्रयास करेंगे। ये 105 से 110 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब ये बारिश का अंदाज तो बताया गया था, अभी फिर भी इन लोगों को अलर्ट नहीं किया गया। शहर में कितने सालों के बाद पहली बार ये परिस्थिति, ये परिस्थिति सामने आई है, और इसके लिए अगर ये लोगों को अलर्ट किया जाता तो इतना बड़ा नुकसान लोगों का नहीं होता, इतने बड़े लोगों को तकलीफ नहीं होती, तो यहाँ के लोगों की जान गंवानी नहीं पड़ती। और आज देख रहे हैं कि करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, करोड़ों का, पूरा नागपुर का आधा शहर ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। इसके लिए पूरा यहाँ का कॉरपोरेशन, यहाँ की सरकार प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। जिस ढंग से काम आधा अधूरा छोड़ा है, रास्ते के काम आधे, नाली के काम आधे, नाग नदी के सफाई के नाम पर
केवल सफाई के नाम होता है पर काम होता नहीं है। ये स्थिति पूरे शहर के अंदर में सबको देखने को मिलती है, तो मैं तुरंत इसका पंचनामा किया जाए और तुरंत पंचनामा करके लोगों को मुआवजा दिया जाए, ये मांग भी मैं करता हूँ। नहीं वही अभी का पुलिया टूट चुका है, फ्लो इतना था, बारिश इतनी थी और इससे वजह से शहर के अंदर में पानी आया है, तो ये प्रशासन ने अलर्ट तो करना चाहिए था तुरंत। 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक यहाँ पे कोई जगह में पानी नहीं था। 10 बजे के बाद अगर लोगों को अलर्ट करते तो अपना सामान वामान तो निकाल के सेफ जगह लोग चले जाते, लोग सोए थे। क्या प्रशासन को भी सोना पड़ा? प्रशासन सोया था, कॉरपोरेशन सोई थी, ये NIT सोई थी, क्या कर रहे थे ये लोग? इन्होंने तुरंत मदद करने की आवश्यकता थी, नहीं किया, इसलिए आज लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा। अब कॉरपोरेशन में केवल कमिश्नर बचा है, ये नाली सफाई हुआ क्या नहीं, नाग नदी की सफाई हुई क्या नहीं, आधे अधूरे काम शहर के अंदर पड़े, इसका ये इसी वजह से लोगों का आज तकलीफ हुई है और करोड़ों रुपये के लोगों का नुकसान हुआ है। आज मैं ये सब बताना चाहता हूँ कि तुरंत इन सबको मदद मिलनी चाहिए, पंचनामे त्वरित होना चाहिए और जिसका जितना भी नुकसान हुआ है, पूरा नुकसान ये शासन और प्रशासन के वजह से हुआ है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। यही मांग मैं इस माध्यम से सरकार को भी करूँगा और तुरंत राहत देने का काम भी करे सरकार, मैं ये भी डिमांड करूँगा।
अभी परिस्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। सुबह में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी सभी रेस्क्यू ऑपरेशंस जो भी NDRF, आर्मी की टीम्स, जिला प्रशासन, स्थानिक प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी मिलके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। किसी प्रकार की कोई इशू अड़चन अभी नहीं है। हम लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि कहीं के लोग अननेसेसरी गर्दी जगह जगह पे कर रहे हैं और सेल्फी वगैरह लेने की कुछ टेंडेंसी दिख रही है। लोग इसके वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में बाधा पहुंचता है। लोग शक्य तो अपने घर पे रहें ताकि जो लोग कठिनाई में हैं उनको मदद करने में पुलिस और बाकी सभी प्रशासनिक विभागों को सहूलियत होगी। एक हानि हुई है ऐसी खबर हमारे पास है। हम बाकी जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करें। प्रेस प्रेस नागपुर फेमस अंबाझरी लेक ब्रोकन। पूरा लगी हो रहा है।
दवाई 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 दवाई। ये देखो रामगिरी जोड़पट्टी, यही रेस्क्यू टीम चालू है अभी। भैया इधर को सुन। हाँ हाँ हाँ। अरे यहाँ है ना दो चार लोगों ना वो ओमकर मामा को उठा के यहाँ पे थोड़ा उतार रहा है। किनको? वो ओमकर मामा संजू है क्या पापा? वो तो आगे ना अंदर। नहीं आए क्या? वही तो कहीं पर टूट रहा है ना। ठीक है ठीक है। दुकाने गए अपने वाले सब्जी के दुकान पूरे पूरे गए। We'll be right back.
डॉन थाम काय झालं काय झालं काय डॉन काय झालं वर जा वर जा डॉक्युमेंट्स आहे ना.